मुझे याद है जब हम लोगों ने 2017 में प्रदेश की बागडोर संभाली थी, प्रदेश में केवल 68 स्थानों पर कृषि विज्ञान केंद्र थे और इसमें भी ज्यादातर बदहाल स्थिति में थे। 2017 में कृषि विभाग ने पहल करते हुए भारत सरकार से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत करवाए। आगामी एक वर्ष के दौरान बंद पड़ चुके या पहले से ही बदहाल स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्रों की पूरी दशा को बदल करके उन्हें प्रदेश के किसान बंधुओं के सापेक्ष बना करके उन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, प्रदेश के किसान भाइयों बहनों के लिए कृषि संबंधी तकनीक और उच्च गुणवत्ता से युक्त बीजों के एक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 4 नए कृषि विज्ञान केंद्र उसी श्रृंखला के हिस्से हैं, जिसमें हापुड़ में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन के साथ ही संबल, बुलंदसर और मुरादाबाद में 3 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का आज शिलान्यास हो रहा है। बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है इन कृषि विज्ञान केंद्रों की किसान बंधुओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव करने में। हमारा किसान प्रगतिशील किसान है, वह नया अनुसंधान चाहता है, नए तौर तरीके के साथ अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे नए तौर तरीके कौन बताएगा, यह उसके सामने एक चैलेंज होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम लोग प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक एक नए कृषि विज्ञान केंद्र, एक एक नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने और बड़े जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों की इस नई श्रृंखला ने किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ ही उन्हें उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध कराने में बड़ी मदद की है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक किसान को उसकी उपज का प्राप्त हो सके, जहां इस पर जोर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ इस बात पर भी जोर देने का कार्य हुआ है कि हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने के साथ ही किसान की उपज को किसी भी प्रकार के टैक्स से मुक्त करने की कार्रवाई हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ है, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण कृषि क्षेत्र में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है जो किसानों के व्यापक हित में है। अब किसान वन नेशन वन मार्केट के इस एक नए युग की ओर जा रहा है, जहां वह अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बिक्री करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन साथ साथ शासन उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी दे रहा है। हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना ही होगा। अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है,
तो कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव को हम लोगों को खुले दिलो दिमाग से स्वीकार करते हुए इस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों को भी इस बारे में ध्यान रखना होगा कि वह तकनीक को अपनाने में कहीं भी पीछे न रहें। हमें तकनीक को युद्ध स्तर पर अपनाना होगा, समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ना होगा, फसलों की विविधीकरण की तरफ जाना होगा और साथ साथ अपने आप को नए युग के अनुरूप, इन नए बदलाव के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। हमें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है और मुझे लगता है कि इसके लिए राज्य की चारों कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के अंदर किसानों के हित में किए जाने वाले इन कार्यों को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी देखा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य रहा जिसने लॉकडाउन के दौरान अपनी 119 चीनी मिलों का संचालन किया। प्रदेश के अंदर लगभग 200 के आसपास क्रेशर खांडसारी के जुड़े हुए उद्योगों को लाइसेंस दे करके गन्ना किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने का कार्य तो किया ही, लेकिन किसानों के सामने एक विकल्प भी दिया। गन्ना किसानों का अब तक पिछले 3 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम प्रदेश के अंदर करने में सफल हुए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 जींस का देने का कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। केवल धान और गेहूं ही नहीं, दलहन, तिलहन, मकई, इन सब का भी समर्थन मूल्य किसानों को देकर के किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के सभी किसान बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार ने जो कृषि संबंधी बिल अभी पास किए हैं ये किसानों के हित में है और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर हाल में जैसे देती आ रही है इसको आगे भी इसी रूप में ले जाने का कार्य करेगी। ये कृषि विज्ञान केंद्र जिन्हें आज एक का हापुड़ के कृषि विज्ञान केंद्र का आज यहां पर प्रशासनिक भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संभल, मुरादाबाद और बुलंदसर के कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी पिछले 3-3.5 वर्षों में खेती किसानी के लिए क्या कुछ हमें नया करना है इस दिशा में किए जा रहे प्रयास का हिस्सा बनेंगे और प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इस विश्वास के साथ में इन चारों जनपदों से जुड़े हुए सभी किसान बंधुओं को, जनप्रतिनिधियों को और कृषि विभाग के अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध ढंग से कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो कार्य योजना तैयार की है आज कृषि विभाग ने उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। मैं इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।